हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है शादी का दिन और हम सब फटाफट रेडी हो रहे हैं क्योंकि पहुंचना है जल्दी। और यहाँ पे संध्या आंटी चेक कर रहे हैं सब बराबर रेडी हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम हैं उनके घर पे। और हम मुझे तो बहुत ज़्यादा तीशा की शादी की याद आती है क्योंकि हम मस्त रेडी हुए थे यहाँ पे। तो यस, अभी है यतीशा, फिर आएगी किसी और की बारी। एनी वेज, तो फटाफट अब मैं मेकअप कर लेती हूँ, फिर हेयर्स करना है। बस अभी मैंने सिर्फ ब्लाउज पहना है, नीचे पायजामा है। समिया रेडी हो रहे हैं, देख सकते बाहर हॉल में। चल, बहुत लेट हो रहा था तो मैं रेडी होके नीचे आई, तो यत्तु भी आ चुकी थी रेडी होके। एंड जस्ट लुक एट हर, इतनी प्रिटी लग रही थी, इतनी प्रिटी लग रही थी, बहुत मस्त लग रही है। ऑफकोर्स ब्राइड का ग्लो ही अलग रहता है। तो फाइनली घर पे आई थी सबसे मिलने, बा को भी मिलने आई, बा के पैर छूने, आशीर्वाद लेने, क्योंकि हमें पता है बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी हमारा शुभ कार्य पूरा नहीं होता है। तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और ये स्पेशल रहता है। तो हम लकी है कि हमें आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग। बस अभी इसी के साथ वो निकलेगी जाने के लिए टूवर्ड्स दी मैरिज हॉल। मैं रेडी हूँ और मैं काफी खुश हूँ विथ माई हेयर स्टाइल एंड लुक। मैंने मिनिमल मेकअप किया है एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं और निमूफू और मेरी बहन, हम तीनों निकल रहे हैं हमारी गाड़ी में जाने के लिए हॉल में, और देखते हैं वहाँ पे क्या सिनारियो, क्योंकि हम थोड़े से लेट हैं। बट आई होप कि बारात को देखने मिले। मेरे साथ जो निमूफू है वही मेकअप आर्टिस्ट भी है, बट उन्होंने नहीं किया है मेरा मेकअप। तो वो वही बोल रहे थे कि फेस पे देखो हल्का सा शाइन अच्छा लगता है। पहुंच गए हॉल और देखा तो हमारे दूल्हे राजा की एंट्री हुई है। अनीता जो कि यत्तू की देरानी भी बनने वाली है, क्योंकि ये दोनों ट्विंस हैं, तो उसकी शादी एक दिन छोड़ के है। तो बस हम सब नाच रहे थे बारात में। आगे अभी आप देखो और एंजॉय करो हमारा वीडियो। वेडिंग हॉल दहीसर में विद्या मंदिर स्कूल का ही है, पैराडाइज करके बैंक्वेट, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ ब्राइड से मिलने। देखिए प्लीज यहाँ एक झलक दे दो, हमारी दुल्हन रेडी है। टन 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 टन। और ये है फोटोग्राफर, आते रहते आगे पीछे। ये है हमारी दुल्हन की मम्मी, ये है दुल्हन की मम्मी, दुल्हन की चाची, और ये है दुल्हन की बहने। चल करीना, एक पार्टी चलो पार्टी। ये तो यहाँ पे हमारा फोटो सेशन चल रहा है। हाय मानसी, ये है करीना, सबका फोटो ले रही है, अच्छा काम कर रही है। मैंने भी काफी फोटो क्लिक की और ये है मेरा फुल लुक। होप आपको अच्छा लगा। बाकी तो अभी सब गेस्ट धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि टाइम था आफ्टरनून का और हम सब बस वेट कर रहे हैं बारात का आने का। फिर स्वागत होगा, वरमाला होगी और उसके बाद प्रॉपर शादी
का जो भी रस्म स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स सब आए थे, तो बस हम ऐसे ही व्लॉग में टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि हम मैं वापस बाहर गई थी देखने कहाँ तक पहुँचा बारात। तो ऑलमोस्ट बस अभी आ चुका है आंगन में। तो बारात की स्वागत की तैयारियाँ में हम सब लगे हैं। तो यहाँ पे लड़की वाले जो कि हम है रेडी है हमारे दूल्हे राजा का स्वागत करने, एंड ऑल्सो वेटिंग फॉर आर ब्राइड टू कम वरमाला के लिए। और यहाँ पे हम थोड़ा खुफिया थॉट्स भी किए थे कि कैसे जूता चोरी करना है, तो वो सब भी हमने सोच के रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा प्लान ये था कि जय को जब उठाएंगे वो लोग तो उसके जूते जो है तब हम खींच लेंगे, देखते हैं वो हुआ कि नहीं। पर फिलहाल हम वेट करते हैं फॉर आवर ब्राइड टू कम। और यहाँ पे इनका एक अलग ही वे चल रहा है, क्या बोलते हैं, एक अलग ही टशन में लड़के वाले आए हैं, देखते हैं। और यहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें लड़की की जो साइड की मामा की बेटी रहती है वो ऐसे खड़ी रहती है और कुछ स्वागत का करती है। तो इसमें जब हम तिलक करते हैं उसके बाद जो पैसा देते हैं तो हम तुरंत नहीं लेते हैं और थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं। तो आप अभी आ गया, पूरा व्लॉग एंजॉय कीजिए। फोर बार फोन दारिया कर सो Yeah!
उबारो म्यूजिक म्यूजिक लेकिन म्यूजिक चालू एक मिनट पास थोड़ा मोबाइल ऊपर नहीं करता हाँ अशोक का एक मिनट चल गुड्डू Yadisha! 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 Yadisha!
पेट पूजा तो करना, शादी में नहीं किया तो कब किया। यहाँ पे फ्रेश पिज्जा बन रहे थे तो मेरे पेट में मैंने लिया है। बाकी तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर पता रिसेप्शन नहीं किया था, मैं सबको पिक्चर लेना जो भी हमको बैठे थे डांस करे थे ऐसे करके आए थे तो बस ऐसे ही माता है। और ये यहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा धमाल किया गाइज मैंने यत्तू की शादी में। मैं बहुत देर तक मैं स्टेज पे ही थी, ऑलमोस्ट उसकी शादी की रस्म तक सारी, फिर सबके साथ नीचे टाइम पास कर रही थी। और ये है हमारा फैमिली फ़ोटो जो हम लोग ने यत्तू जई के साथ लिया, और फिर बाकी तो सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक की। ऑफकोर्स विदाई भी हुई है, बट ऑफकोर्स इतना पर्सनल वीडियो मैं नहीं शूट करने की हिम्मत, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, बहुत रोई हूँ मैं, क्योंकि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बचपन से हमारा नाम साथ में लेते थे हित्तू यत्तू, तो एक अलग ही बॉन्डिंग था। एनी वेज आई विल मिस हर अ लॉट। ये है दादाजी जय के, जिनके साथ मैं इतनी कंफर्टेबल और खुश थी, और वो खुद मुझे बोलते थे कि तू मेरी बेटी जैसी है, उनको मैं इतनी पसंद आ गई। तो यस, इट वॉज़ अ वेरी गुड टाइम एंड उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जो हितेश्री जानी। मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ में, एंड आप सब भी यतीशा को कॉन्ग्रेचुलेशन करना, ब्यूटिफुल ब्राइड को। बाय।